ये रहा आपका गर्मा गर्म नाश्ता। हटाओ इसे। It's smelling so bad. Smelling so bad? कल रात को तुमने मुझे 2 बजे उठाकर कहा कि तुम्हें ताहिर भाई के ठेले की पाव भाजी की खुशबू आ रही है, जाकर लेकर आओ। गुलाम गया उठकर। गुलाम? मतलब greatest, ultimate, loving, acquiescent man. Obedient, तुम्हारा personal गुलाम। रात को गया, लेकर आया और क्या देखा मैंने? कि रानी साहिबा आराम से सो गई, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। सोचा कि सुबह नाश्ते में खा लूंगी। नहीं खा पाऊंगी मैं इसे। I don't know, it's smelling so bad right now. तो अब क्या करना है इसका? तुम खा लो। मैं क्यों खा लूं? मुझे थोड़ी ना क्रेविंग हो रही है, तुम्हें क्रेविंग हो रही थी ना? हो रही थी, अब नहीं हो रही है। अब ना एक्चुअली मुझे आम की क्रेविंग हो रही है। सीरियसली, अब इस सीजन में आम कहाँ से लाएगा आपका गुलाम? हाँ, मैंने सिर्फ ये कहा है ना कि मुझे आम की क्रेविंग हो रही है। अब मैंने ये थोड़ी ना कहा कि कहीं से भी आम ढूंढ कर लाओ, उसमें थोड़ा सा दूध डालो, 3-4 आइस क्यूब्स डालो, 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम डाल के अच्छे से मिल्क शेक बनाकर दो, ये थोड़ी ना कहा है मैंने। I was just expressing my cravings, that's all. वैसे I must admit कि तुम ये सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। थैंक यू। मैं देखता हूँ कहीं आम मिल रहे हैं कि नहीं। अभी ये बताओ क्या खाओगी नाश्ते में? ज़ुकीनी फ्रिटर्स। ज़ुकीनी फ्रिटर्स? I can't even spell it. मतलब ज़ुकीनी करता हूँ ऑर्डर, करता हूँ। मीरा, 12 बज गए हैं यार, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आम लेने जा रहे? प्लीज कंट्रोल योर क्रेविंग्स, अभी हमें शुभम और रेखा के घर के लिए निकलना है। क्यों? उन्होंने लंच पर इनवाइट किया हमें, बताया तो था तुम्हें लास्ट वीक। कब बताया था? अरे कमाल करती हो यार। आई टोल्ड यू ना, शुभम गॉट प्रमोटेड एज AVP, तो उसने अपने घर पर पार्टी रखी है, लंच के लिए सबको इन्वाइट किया है। And you were so excited, कितने दिनों के बाद हम बाहर जाएंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे, we'll have fun. In fact, तुमने ये भी कहा था कि तुम अपनी नई वाली ब्लू ड्रेस पहनोगी, याद आया? ये वाली ड्रेस? ये वाली नहीं, वो वाली। अरे वो छोड़ो ना, अभी प्लीज तैयार हो जाओ ना। नहीं नहीं, अभी हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हुई होती तो मुझे याद होता ना। ओ माई गॉड, तुम्हें ना क्रेविंग्स के साथ साथ मोमनीजिया भी शुरू हो गया। एक्सक्यूज मी, मोमनीजिया? अरे मोमनीजिया मतलब मेमोरी लॉस, फॉरगेटफुलनेस, ब्रेन फॉग, कभी कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू हो जाता है। ओ प्लीज, मुझे नहीं हुआ है कोई मोमनीजिया, तुम्हें हुआ होगा बापनीजिया। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने ये मोमनीजिया बापनीजिया? अच्छा हुआ माँ आ गई। तो अब मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि तुम्हें मोमनीजिया हो गया है। अच्छा माँ एक बात बताओ, उस दिन हम तीनों यहाँ पर बैठे थे तो मैंने बोला था ना मीरा को कि अगले हफ्ते हमें शुभम और रेखा के घर पर लंच के लिए जाना है। अरे फिर आपने कहा था कि कौन है तुम्हारे ये फ्रेंड्स, कभी उन्हें भी तो घर पर बुलाओ। और मीरा ने कहा था कि जब हम उनके घर जाएंगे तो उनको गुड न्यूज और इनविटेशन दोनों दे देंगे, याद आया? हाँ हाँ याद आया ना। सी, मैं वहां बैठी थी। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ बैठी थी। नहीं 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 नहीं, मैं यही बैठी थी। ये सही है, माँ बेटा हमेशा सेम टीम में। अरे नहीं बेटा, मैं तो अब तेरी टीम में हूँ। प्रेगनेंसी के वक्त ऐसा होता है, एक बार तो अभिमन्यु के वक्त मैं अपने घर का रास्ता ही भूल गई थी। हाँ फिर वो तो अच्छा है कि उस वक्त तेरे पापा उधार करते थे। किसका उधार करते थे? अरे उधार नहीं, उधार, आज नगद कल उधार। और वो तो अच्छा हुआ कि एक दुकानदार ने मुझे पहचान लिया तो घर छोड़ गया, इसी बहाने उनसे पैसे भी लेते गया। देखा मोमनीजिया होता है, होता है। अरे यार आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। चलो ठीक है, तैयार हो जाती हूँ। अरे बेटा इतने झटके से नहीं उठते हैं। अभिमन्यु जब तक उसकी माँ यहाँ पर है तू उसे परेशान नहीं करेगा। मैं इसे कहाँ परेशान करता हूँ माँ? हाँ माँ, माँ। अरे भाई मैं तो तेरी माँ ही हूँ ना, राम मुझे भी भूल गई। नहीं नहीं माँ मतलब आई आ रही है, बताया था ना मैंने। कब बताया? किसको बताया? नहीं बताया था। मोमनीजिया। ला ला।
आई आ रही है। खैर जब बता ही दिया ना, तो कब आ रही है? कल लंच तक आ जाएगी। लंच? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने बरस हो गए उनसे मिले हुए, है ना? क्या पसंद है उन्हें खाने में? मैं बना दूंगी लंच। बताती हूँ, मैं रेडी होकर आती हूँ अभी। जरा देखना इस पिक्चर में शुभम और रेखा कितने क्यूट लग रहे हैं। लुक एट देम। मीरा, ये आई अचानक कैसे कैसे आ रही है? अचानक कैसे कैसे आ रही है मतलब? तुमने कभी मम्मी को पूछा है कि आप अचानक से ऐसे कैसे आ रहे हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब कितने दिनों के लिए आ रही हैं, क्या प्रोग्राम है उनका, तुमने पूछा उनसे? अरे ऐसे कैसे पूछूं मैं, दैट वुड बी सो रूड। आई मीन उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि मैं आ रही हूँ, आई सेड हाँ आप आ जाओ। उन्हें कोई परमिशन तो नहीं चाहिए ना आने के लिए? एग्जैक्टली, परमिशन नहीं चाहिए लेकिन सोने की जगह तो चाहिए ना। वो कहाँ रहेंगी, कहाँ सोएंगी, ये सब अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे मीरा तुम टेंशन मत लो, मैंने सब सोच लिया। कुछ दिनों की तो बात है, तुम अपनी मॉम के साथ यहाँ सो जाना, मैं अपनी मॉम के साथ उस कमरे में सो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकती, आई नीड यू। ओह सो स्वीट। वैसे सही कहते हैं लोग, बच्चे के आने से ना हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बॉन्डिंग का तो पता नहीं, बट आजकल ना मेरी क्रेविंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई है। तो अब जब आधी रात को मुझे ताहिर भाई के ठेले की पाव भाजी खानी होगी तो मैं आई को तो उठा के नहीं बोल सकती ना कि प्लीज मेरे लिए जरा सा पाव भाजी ले आओ। वो तो सिर्फ मेरा पर्सनल गुलाम कर सकता है ना। आई थॉट यू वर बीइंग रोमांटिक, पर तुम्हें तो सिर्फ पर्सनल गुलाम की जरूरत है। एनीवे, ओके रानी साहिबा, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दरबारे आम में सोए। क्या 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 मतलब? हॉल में सोए? नहीं नहीं, अभी उनका सारा सामान उस कमरे में, शी इज सेटल्ड देयर। अब उन्हें बोलेंगे हॉल में सोने के लिए तो शी विल फील अपरूटेड, बुरा भी लगेगा उन्हें। मैं काम करती हूँ, मैं आई को बोलूंगी कि वो हॉल में सो जाए। यार सब लोग कमरे में सोएंगे, तुम्हारी मॉम हॉल में सोएंगी तो उनको भी तो बुरा लग सकता है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों को कमरा शेयर करने के लिए बोले। तुम्हारी मॉम एडजस्ट कर लेंगी मेरी मॉम के साथ? ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मेरी मॉम को क्यों प्रॉब्लम होगी? मेरी मॉम को क्यों प्रॉब्लम होगी? तुमने देखा नहीं वो कितनी एक्साइटेड थी कितने बरसों के बाद उर्मिला जी से मिलेंगी, शी वाज सो हैप्पी। कूल देन, इट्स डिसाइडेड, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मॉम का कमरा मेरी मॉम का कमरा होगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी मॉम का कमरा मेरी मॉम का कमरा होगा। वैसे इट बी फन। या आई एम श्योर एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करने वाले हैं वो दोनों। आई एम एक्चुअली ग्लैड वो दोनों यहाँ पे होंगे। या सो एवरीथिंग सॉर्टेड नाउ। या सोया जाए। यू वांट समथिंग? नो आई एम गुड फॉर नाउ। यहाँ इतने से कमरे में? अरे नहीं बेटा, मुझे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो रहेंगी कहाँ, उनका सामान कहाँ रहेगा, और हम लोग सोएंगे कहाँ? यहाँ इस बेड पे हम दोनों? अरे माँ, मैं आप लोगों को एक बेड पे सोने के लिए थोड़ा ना कह रहा हूँ। ये सोफा कम बेड है, खुलता है ये। वो यहाँ सो जाएंगी, आप वहां सो जाना। अगर आपको ये अच्छा लगता तो आप यहाँ सो जाना, वो वहां सो जाएंगी। थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना माँ। नहीं, नहीं, नहीं बेटा, दिख रहा है ना रूम बहुत स्टफी हो जाएगा, मेरी तो सांस ही रुक जाएगी। फिर तो मुझे अपनी सांस रोकनी पड़ेगी। कैसी अशुभ बातें कर रहा है तू? मारूंगी मैं तुझे, मारूंगी अब। अरे मैं मीरा की माँ को रोकने की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो कंफर्म ना, मना कर दूं उन्हें। बेटा मैं तो नहीं रह पाऊंगी, और कोई ऑप्शन है क्या? हमें तो लगा यही बेस्ट ऑप्शन है। नहीं 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 बेटा, दिस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। ओके अच्छा।
बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। उर्मिला जी भी तो माँ ही है ना, तो उनका भी तो मन करता होगा कि बेटी के साथ कुछ दिन बिताएं। तो बिताएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट कर लूंगी। आप भी ना माँ, बहुत मजा किया। थैंक यू। माँ को थैंक यू बोलता है। वैसे कितने दिनों के लिए आ रही है आई? अब उनका एग्जैक्ट प्लान क्या है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक हफ्ता 10 दिन रुकेंगी। और क्या, हफ्ता 10 दिन? हाँ। बस ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। यू आर सो स्वीट मॉम, यू आर आल्सो वेरी स्वीट। मीरा, तुम्हारा फोन ऑफ है क्या? नहीं, ऑन है। अरे आई ने इतनी बार ट्राई किया, लगा ही नहीं। देन शी कॉल्ड मी, उनका प्लान कैंसिल हो गया, वो नहीं आ रही है। व्हाट? हाँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ, कुछ बताया उन्होंने? इतनी डिटेल में तो बात नहीं हुई, तुम फोन पे बात कर लेना ना। क्या यार, I was so looking forward to her coming. आई? I missed you so much. अंकल, तू रो क्यों रही है? हाँ? जोगड़ेकर परिवार में हम रोना नहीं सिखाते, हम रोते नहीं है, रुलाते हैं। Never forget that, okay? तो हम भी कहीं से रोने वालों में से हैं, हमको भी तो रुलाना आता है। आप क्यों विशेष टिप्पणी कर रही हो? माँ बेटी का मूवमेंट चल रहा है, चलने दो, आपको थोड़ी ना बोल रही हैं। मैं भी तो उससे कहाँ बोल रही हूँ, वहाँ उनका चल रहा है, यहाँ हमारा चल रहा है। पटकन शॉवर लेते हैं। आई, मैंने आपका सामान आपके कमरे में रख दिया। हमारा कमरा? अरे वाह, मैं आती हूँ, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कड़क कड़क। हाँ। सुना ले। कड़क। एकदम कड़क। आई, आपका सफर कैसा था? सफर में सफर तो नहीं किया ना? अरे पूना से मुंबई भी कोई सफर है क्या? सिर्फ 4 घंटे का ही तो है सफर। तो हमारा है भाई, अलवर से मुंबई तक 21 घंटे लगते हैं। क्या है ना, जिंदगी के सफर में आपके साथ कौन सफर कर रहा है उस पर निर्भर होता है कि आप सफर करोगे या सफर करोगे। मेरे साथ ना आज ऐसे ही हुआ है कुछ। काय झालं? अगर तो ड्राइवर ना एकदम भंगार होता। भंगार मतलब? भंगार मतलब बेकार था, गुड फॉर नथिंग। ऐसी गाड़ी चला रहा था ना, पूछो मत। कैब अगर प्रीपेड नहीं होती ना तो 1 रुपया नहीं देती मैं उसे। तो आपने उसे बताया नहीं कि जोगलेकर से पंगा नहीं लेना चाहिए? नहीं, अभी नहीं बताया, उसका भी टाइम आएगा। लो, आ गया। गुड मॉर्निंग मैम, क्या मैं आपका 2 मिनट का कीमती समय ले सकता हूँ? कीमती चीज है तो मैं फ्री में क्यों दूं? मैम माफी चाहता हूं, लेकिन ये कॉल आपकी लास्ट ट्रिप के रिगार्डिंग किया जा रहा है जो आपने शुभ चेतन के साथ की थी। एक एक मिनट, उसका नाम ना शुभ नहीं, अशुभ अचेतन होना चाहिए, मूर्ख का पुतला। मैम एक्चुअली हम जानना चाह रहे थे कि आप हमको 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगी। आधा स्टार भी नहीं दूंगी। कितनी तेज गाड़ी चलाता है वो, हाँ जैसे पुलिस पीछे पड़ी हो उसकी। मैंने उसे बताया कि मुझे भूख लगी है, फूड कोर्ट पे गाड़ी रोको, तो रोकी नहीं, आगे पता नहीं कौन से ढाबे पे जाके रोक दी गाड़ी, बोला यहाँ पे खाना खा लो। मुझे ना पक्का यकीन है उसका कमीशन होगा उसमें। आप सर्विस इंडस्ट्री में हो ना, ऐसी सर्विस देते हो आप कस्टमर को? मैम मैम हम माफी चाहते हैं, प्लीज। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हो? माफी ना आपके उस अशुभ अचेतन को मांगनी चाहिए। अच्छा, गूगल पे मेरा रिव्यू पड़ा ना, इसलिए कॉल किया आपने, है ना? मैम मैम प्लीज, नई कंपनी है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके इस ट्रिप के पैसे रिफंड हो जाए और हम आपके शुभ चेतन के फीडबैक पर कोई एक्शन ले। तब तक प्लीज आप वो रिव्यू अगर डिलीट कर सके तो ठीक है। रिफंड के लिए 1 घंटा है आपके पास। थैंक यू मिसेस उर्मिला जोगड़ेकर, उर्मिला जोगड़ेकर। थैंक यू मैम। Never mess with the Joglekers. Right. अब समझ में आया मुझे, तुमने अपनी arguments skills कहाँ से सीखी हैं? अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी आई बेस्ट है।
माँ तो हमेशा ही बेस्ट होती है, फिर चाहे किसी की भी हो। हा? अरे आप तो बेस्टेस्ट हो। ये रहा तुम्हारा विटामिन डी, विटामिन सी, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन ई। एक एक मिनट, इतनी सारी गोलियों की क्या जरूरत है शरीर को? बिल्कुल जरूरत है, अभी से एक नहीं दो दो शरीर की खुराक पूरी करनी है ना। हाँ, पर जो चीज नेचुरल सोर्स से मिल सकती है उसके लिए गोली क्यों खानी है? अरे भाई देखिए, हर रोज तो हर चीज ये खा नहीं सकती है। अब छह छह गड्डी पालक की तो रोज खा नहीं सकती है, तो एक आयरन की गोली खाओ और पूरी खुराक पाओ, उसके बाद जो मर्जी है खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, पानी पूरी खाओ। अरे ऐसा क्या बोल रही हैं आप? आपको ये कहना चाहिए कि हर रोज बैलेंस और पौष्टिक डाइट खाओ। अब बच्चे की खुराक ऑर्गेनिक चीजों से पूरी होती है, जंक फूड से थोड़ी। नहीं, आप जो बोल रही है ना वो कन्वीनियंट है, लेकिन क्या इफेक्टिव है? देखिए, हमारे शरीर को नेचुरल रिसोर्सेज से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं, इसीलिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। और गोली का क्या है? गोली तो गोली है, जितनी स्पीड से अंदर जाएगी उतनी स्पीड से निकल भी जाएगी। तो फिर आप ऐसा कीजिए ना, जिस डॉक्टर ने ये सब लिख के दिया है आप उन्हीं से पूछ लो ना, मुझसे क्यों बहस कर रहे हैं? हाँ आई, ये सब डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया है। मीरा, अगर तू डॉक्टर को पूछोगी कि क्या मुझे सप्लीमेंट की जरूरत है तो वो मना थोड़ी ना करेगा। आप मुझे बताइए, हमारे टाइम होती थी ये सप्लीमेंट्स की गोलियां? नहीं ना। आपने कितनी गोलियां खाई थी अभिमन्यु के टाइम पे? तंदुरुस्त बच्चा पैदा किया है ना, और आप भी मेंटली और फिजिकली एकदम फिट हो कि नहीं? अब देखिए, आजकल हर चीज में मिलावट है उर्मिला जी, हर चीज एडल्ट्रेटेड है, हर चीज अशुद्ध है, तो फिर खाने से क्या होने वाला है? गोलियां तो लेनी पड़ेगी। तो फिर कुछ भी मत खाओ। कमाल है मीरा, तू कधीच काही कसं बोलली नाहीस ग। आता राहू दे ना, या विषयावर नंतर बोलूया। अगं क्या खुसर पुसर चल रही है भाई, तुझे खाना है तो खा, नहीं तो मैं खा लेती हूँ। मैं लेती हूँ। तू सच में खाएगी? तू नहीं खाएगी? तू खाएगी? तू नहीं खा रही है? तू सच में खाएगी? तू नहीं खा रही है? एक मिनट, एक मिनट। आई मम्मी, ये खानी है या नहीं मैं बाद में डिसाइड करूंगी, अभी मैं जा रही हूँ। वो खाएगी? नहीं खाएगी। खाएगी? नहीं खाएगी। खाएगी? नहीं खाएगी।